चलिए चैप्टर 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द मिडनाइट विजिटर। सो ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजेबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है और उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। अभी तक रिपोर्ट ऑजेबल के पास आई नहीं है, लेकिन एक दूसरा सीक्रेट एजेंट उसके पास पहुंच गया है मैक्स, और उसको गन पॉइंट पे रख के, पिस्टल पे रख के उससे रिपोर्ट मांग रहा है। अब ऑजेबल इस सिचुएशन को कैसे टैकल करता है? क्या वो मैक्स को आउटविट यानी अपनी चालाकी से हरा पाता है या नहीं हरा पाता, तो वो इस चैप्टर की कहानी है। अब जो हमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसमें आपको दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ हाउ इज़ ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। सेकंड, हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसने ऐसा क्या काम किया है पूरे दिन में जो स्टोरी में आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ओके, सो ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, फाउलर फेल लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो ऑजेबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, और फाउलर जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, उसका पूरा नाम है मैक्स फाउलर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें मैक्स बताया और स्टोरी में फाउलर बताया, लेकिन सेम पर्सन है, पूरा नाम उसका मैक्स फाउलर। सो फाउलर को जब ये टास्क मिला उसकी एजेंसी से कि आपको ऑजेबल से ये रिपोर्ट लेके आनी है, तो फाउलर को तो लगा ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, उसकी सारी चीज़ें जो है बाकी सीक्रेट एजेंट से बहुत अलग लग रही थी। उसको लगा कि एक अच्छे होटल में एक उसने रूम बुक करवाया होगा, अपना नाम वाम चेंज करके वहाँ पे रह रहा होगा सीक्रेट एजेंट की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब वो उसका पीछा करता है तो एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में वो जाता है। ऑजेबल जो है वो एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में जाता है, ग्लूमी मतलब पुरानी सी होटल थी, और वहाँ पे भी जो उसने अपना रूम बुक करवाया था वो 6th फ्लोर पे बुक करवाया था, जो एकदम टॉप फ्लोर है, वहाँ पे एक छोटा सा रूम उसने बुक करवाया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अपने सीक्रेट मिशन पे नहीं आया बल्कि कोई रोमांटिक एडवेंचर पे आया हो, ऐसा लगने लगा फाउलर को। सो ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। सीक्रेट एजेंट आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन कोई होगा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला होगा, लेकिन ऑजेबल जो था वो एक बहुत फैट इंसान था, वेरी फैट। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, उसकी एक एक्सेंट जो थी वो भी बिल्कुल अलग थी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली मतलब थोड़ी बहुत आती है उसको फ्रेंच और जर्मन, ही हैड नेवर ऑल्टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो। तो पहले बॉस्टन रहता था, बॉस्टन अमेरिका में आते हैं तो उसका एक्सेंट अमेरिकन था, लेकिन अब ये पेरिस आ चुका है, पेरिस में आने के बाद भी इसकी जो एक्सेंट है अभी भी अमेरिकन ही है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room.
You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So, Fowler जो है वो उसके पीछे पीछा कर रहा था. So, Audible उसको कहता है कि ज़रूर तू डिसअपॉइंट हुआ होगा. ठीक है, फाउलर से कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि तुझे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो बहुत ही खतरों से खेलता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. अब तू मुझे मिलने आया है क्योंकि तू एक राइटर है, यंग एंड रोमांटिक. यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. तूने मेरे बारे में ज़रूर कुछ चीज़ें सोची होंगी. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, है ना, कि मैं जब उससे मिलूँगा तो गोलियाँ चल रही होंगी, वाइन में ड्रग्स मिला के वो किसी को दे रहा होगा बेहोश करने के लिए. सो तू मेरे पास आया है राइटर बन के एक अच्छा. अब Audible को पता नहीं है कि वो सीक्रेट एजेंट है या क्या है, वो एक राइटर समझ के उससे बात कर रहा है. लेकिन वो कहता है कि इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल. तू सोच के तो बहुत सारी चीज़ें आया लेकिन मेरे साथ आके तुझे एक बोरिंग से हॉल में बैठ के, फ्रेंच होटल के हॉल में बैठ के तुझे म्यूज़िक सुनना पड़ा. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़. तूने सोचा होगा कि सीक्रेट एजेंट है तो कहीं से कोई लड़कियाँ आएंगी और उसके हाथ में एक सीक्रेट मैसेज दे के जाएंगी, चिट्ठी दे के जाएंगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. मेरे पास तो सिर्फ एक एकाध कॉल आता है जिस पे मैं रूम में अपने अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ. सो तू ज़रूर बोर हो गया होगा. द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेफ्ट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. तो Audible जो है वो अपने ऐसे बात करते करते रूम तक पहुँचता है, अपना रूम खोलता है, अंदर जाता है और उसका गेस्ट भी उसके साथ आता है. सो यू आर डिसइल्यूजन्ड, Audible टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स. कम टू मी सम डे सून, दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट. ठीक है, तो वो अपने गेस्ट के साथ अंदर आता है. पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे. Yes, sir. इनमें एक छोटा और मोटा वो Audible है. जो पिस्टल लेके खड़ा है वो फाउलर है और जो Audible के पीछे खड़ा है वो उसका गेस्ट है जिससे वो अभी तक बात कर रहा था एज ए राइटर. सो दरवाज़ा खोल के वो दोनों अंदर जाते हैं और Audible अपने गेस्ट को कहता है कि तू बोर मत हो, अभी मैं तुझे एक बहुत ख़ास चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास एक पेपर आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है और ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पेपर के लिए अपनी जान खतरे में डाली. सो जैसे ही ये दोनों बात कर रहे थे Audible क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. Audible ने अब दरवाज़ा बंद किया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. दरवाज़ा बंद करने के बाद लाइट ऑन की एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. ठीक है, जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया तो फाउलर को एक थ्रिल उसको दिखाई दिया. ओके, सो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूं, मेरे को भी हो गया था पर क्लियर कर देता हूं. Audible ये जो सीक्रेट एजेंट है, फाउलर ये जो इसके साथ गेस्ट है वो होगा, यानी जो राइटर है. सो फाउलर उसके साथ घूम रहा था ताकि उसको कुछ मिल सके, एक थ्रिल मिल सके और उसको ये थ्रिल मिला जब उसने लाइट ऑन की. Audible ने लाइट ऑन की तब. For halfway across the room,
अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। ठीक है, थोड़ा सा ही दूर रूम में एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। मैक्स, ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो ऑजिबल उसको देख के ही पहचान गया कि ये तो मैक्स है, लेकिन शॉक रह जाता है क्योंकि उसको लगा कि मैक्स बर्लिन में है, लेकिन वो बर्लिन नहीं बल्कि उसके रूम में पहुंच चुका था। ओके, स्टोरी अभी तक की समझ में आई कि कुछ कंफ्यूजन है? सर, सर, हाँ दीदी, सर मैक्स और फाउलर दोनों अलग है? हाँ, दोनों अलग हैं। एक बार फटाफट से वापस बता देता हूँ कि ये फाउलर जो है वो ऑजेबल के पास आता है। ये एक राइटर है, यंग है और राइटर है, तो उसको लगा कि बहुत सारे थ्रिल होंगे कि एक सीक्रेट एजेंट के साथ मिलने जा रहा हूँ मैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलेंगी। लेकिन वो उसके साथ जाता है, उसको लगा कि एक अच्छी सी होटल होगी, वहाँ पे एक अच्छा सा रूम होगा। लेकिन जाता है तो एक पुरानी सी होटल में उसने अपना टॉप फ्लोर बुक करवा के रखा था। थोड़ी देर तक वो हॉल में रुकते हैं, बोरिंग सा म्यूज़िक सुनते हैं और फिर उसके बाद वो रूम की तरफ जाते हैं। जब रूम की तरफ जा रहे थे तो ऑजेबल उससे बात करता है कि ज़रूर तूने सोचा होगा कि मैं ऐसा सीक्रेट एजेंट हूँ, मुझे ये सब हो रहा होगा, गोलियाँ चल रही होगी, वाइन में ड्रग्स मिला रहे होंगे, लड़कियाँ मुझे सीक्रेट मैसेजेस दे के जाती होंगी, लेकिन ऐसा सब तो हो नहीं रहा, तो ज़रूर तू बोर हो चुका होगा। ऐसा कह के रूम में पहुँचते हैं। रूम में वो फाउलर को कहता है कि मैं तुझे एक पेपर दिखाऊंगा, ये पेपर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में ज़रूर हिस्ट्री में लिखा जा सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाली। ये कहकर जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके लाइट स्विच ऑन करता है तो ऑजिबल तो एक सीक्रेट एजेंट है ही है, उसको तो ये सब होता रहता है उसके साथ। लेकिन फाउलर जो एक राइटर है उसके साथ ये दिन की उसकी पहली थ्रिल मिली उसे। वो आया था ऑजेबल से मिलने, थ्रिल ढूंढने के लिए कि कुछ अलग मिलेगा, और वो अभी तक कुछ भी अलग हो नहीं रहा था, सब बोरिंग जा रहा था पूरा दिन। जैसे ही लाइट ऑन हुई तो फर्स्ट थ्रिल उसको मिलता है। ये फर्स्ट थ्रिल क्या था कि एक आदमी सामने खड़ा था पिस्टल लेके। मैक्स वो पहचान जाता है ऑजेबल उसको कि ये मैक्स है, और कहता है कि भाई तू तो बर्लिन में था, मुझे लगा तू बर्लिन में है, तू यहाँ मेरे रूम में कैसे पहुँच गया। ओके, अभी क्लियर है सबको? यस सर। कौन कौन है ऑनलाइन? 20, चलो। सो नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इस पार्ट में पता चलेगा हाउ हैज मैक्स गॉट इन एंड हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, कि मैक्स कैसे अंदर आया होगा और ऑजिबल को क्या लगता है कि मैक्स कैसे अंदर आया होगा, वो एक्सप्लेन करेगा ऑजिबल। चलो, मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, स्लेंडर मतलब मीडियम हाइट का था, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, चेहरा उसका ऐसा लगता था और बॉडी बिल्डअप उसका ऐसा लगता था जैसे फॉक्स जैसा हो। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था, कोई गन के अलावा और कोई चीज़ डरावनी नहीं थी उसमें। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बींग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट के लिए आया हूँ। ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? कुछ न्यू मिसाइल से रिलेटेड है। और बोलता है कि ऑजिबल को बोलता है कि तेरे हाथों में होने से अच्छा वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी। डायलॉग मारता है अच्छा सा, लेकिन इतना अच्छे से डायलॉग मारा उसने, पिस्टल लेके खड़ा हुआ है उनके सामने,
आप होते तो क्या क्या रिएक्शन होता आपका? कोई पिस्टल लेके आपके सामने खड़ा है तो? वो भी आप पहचानते हो कि आप सीक्रेट एजेंट है, वो भी एक दुश्मन है, तो क्या रिएक्शन होगा? आवाज आ रही है ना, डरावना, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, है ना, पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ऑजेबल का रिएक्शन देखो कैसा आता है। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑजेबल ने क्या किया, वो अपनी आर्म चेयर की तरफ चला, वो गन लेके खड़ा है उसके सामने, ये आराम से अपनी आर्म चेयर की तरफ गया, आर्म चेयर पे जाके बैठ गया हैवीली, और कहता है आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। बोलता है मैं इस होटल की मैनेजमेंट से बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला हूँ, उनके लिए मैं डेविल बन जाऊँगा, शैतान बन जाऊँगा। दूसरी बार हुआ है ऐसा कि कोई पर्सन जो है वो मेरे रूम में आ गया है, वो भी इस बालकनी की तरफ से। तो उसने एक इशारा किया कि इस बालकनी की तरफ से दूसरी बार कोई मेरे रूम में अंदर आ गया। तो फाउलर जो राइटर है उसकी आंखें जाती है उस डायरेक्शन की तरफ, तो उस डायरेक्शन में एक सिंगल विंडो बनी हुई थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और शाम हो चुकी थी, अंधेरा होता जा रहा था, तो उस खिड़की से देख रहा था कि अब अंधेरा हो रहा है और सनसेट हो रहा है। बालकनी मैक्स सेट विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो मैक्स कहता है बालकनी तुझे लगता है मैं बालकनी से आऊंगा चोरों की तरह? मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मेरे पास कोई भी चाबी बना सकता हूँ मैं। नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता कि मैं बालकनी है यहाँ पे, तो मुझे चाबी वाबी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा टाइम बच जाता मेरा। तो ऑजिबल कहता है इट्स नॉट माय बालकनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। कहता है नहीं नहीं मेरी बालकनी नहीं है ये, तो नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो सामने वाला अपार्टमेंट है, बाजू वाला अपार्टमेंट है, उसकी बालकनी है। यू सी दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। तो वो उसको रूम की स्ट्रक्चर समझाने लगता है कि देख ये जो मेरा रूम है वो एक बड़े रूम में से बनाया गया है, इस बालकनी से जो दूसरा रूम अटैच्ड है वो लिविंग रूम होता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ। तो ये जो बाजू वाला रूम था लिविंग रूम, उसकी बालकनी इतनी बड़ी थी कि ये मेरे रूम के साथ टच करती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन। ठीक है, तो नीचे एक दरवाज़ा है, वहाँ से भी इजीली कोई चढ़ के ऊपर आ सकता है, ऐसी बालकनी बनी हुई है। और लास्ट मंथ भी ऐसे ही एक पर्सन जो है वो बालकनी चढ़ के मेरे रूम में आ गया था। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वो ये बालकनी ये खिड़की बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक की नहीं है। ठीक है, तो इसने पूरा अपना रूम का स्ट्रक्चर अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया? पॉसिबल। किसको एक्सप्लेन किया? मैक्स। ऑजेबल ने मैक्स को समझाया। ठीक है, नाउ मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। अब ये तो चेयर में बैठे बैठे बातें करे जा रहा था, तो मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखता है, जो बिल्कुल ही स्टिफली, बहुत ही कड़क एक स्टैचू बन के खड़ा हो गया था गन को देख के। सो ही वॉज नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन। तो उसने गन का इशारे से किया कि तू भी बैठ जा।
ठीक है, गन से फाउलर को इशारा किया कि सिट डाउन. ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. तो कहता है कि अब आधा घंटा लगेगा रिपोर्ट आने में, तो तब तक खड़े घर थक जाएगा, तो तू भी बैठ जा. तो मैक्स ने बोला 30 मिनट्स. ऑजेबल बोलता है नॉट 30 मिनट्स, 31 मिनट्स. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. तो कहता है नहीं नहीं भाई, अभी देख 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स पड़े हैं, पर अपॉइंटमेंट 12:30 की थी, वो तुझे कैसे पता चला. द लिटिल स्पाय स्माइल्ड एविली. एविली मतलब एक थोड़ी एविल जैसी स्माइल, एक बुरे इंसान जैसी स्माइल उसने दी फाउलर, ये मैक्स ने. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. ऑजेबल ने बोला कि तुझे 12:30 बजे ही मीटिंग है, तुझे कैसे पता चला. और फाउल ये मैक्स कहने लगा, हाँ तुझे ये नहीं पता चला और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि रिपोर्ट तेरे पास क्यों आई है, रिपोर्ट तेरे को क्यों भेज रहे हैं, मुझे क्यों नहीं भेजी. फिर बोलता है खैर कोई बात नहीं, नो हार्म इज हैज़ बीन डन, अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर. के रात को तो मुझे आज रात को मिल ही जाएगी, 12:30 बजे रात को उसको मिलने वाली थी. तो बोलता है कि हाँ मिल ही जाएगी. इतने में दरवाज़े पे नॉक होता है, तो मैक्स थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर. फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अचानक से नॉकिंग हुई तो फाउलर तो पूरा बैठे बैठे जंप मार लिया उसने, इतना उसको वो दरवाजे की आवाज़ से उसको डर लगा कि वो उछल पड़ा वहीं पे बैठे बैठे. लेकिन ऑजेबल जो है वो एक अच्छी सी स्माइल करता है और बोलता है दैट विल बी पुलिस, कि ये तो पुलिस होगा. आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर वॉज एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. तो उसने बोला कि पुलिस ही होगी, मैंने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था, एक इम्पॉर्टेंट इतना पेपर आने वाला है, तो मैंने उन्हें बोला था कि 12:00 बजे आप लोग आ जाना ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं. वो वही देखने आए होंगे, पूछने आए होंगे. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. अब जैसे ही उसने बोला पुलिस है तो मैक्स तो एकदम घबरा गया, नॉकिंग बार बार बढ़ती जा रही थी. नॉकिंग वॉज कंटिन्यूस, इट वॉज रिपीटेड. वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्क्ड. इफ आई डू नॉट एंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. तो ऑजेबल कहता है कि अब बता मैक्स क्या करेगा, अगर मैंने इनको जवाब नहीं दिया तो ये लोग तो वैसे भी अंदर आ जाएंगे, डोर तो वैसे भी अनलॉक्ड ही है, लॉक किया हुआ नहीं है, खाली अंदर से उसने ऐसे बंद किया था, लॉक नहीं किया था. सो द डोर इज अनलॉक्ड, दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. ओके, जैसे ही वो अंदर आएंगे तुझे गन के साथ देखेंगे तो तुझे शूट करने में पुलिस वाले बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. तो अब ये बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन बचना भी था इसको, तो ये धीरे धीरे विंडो की तरफ जाता है. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, विंडो से पहले. अब ये क्या कर रहा है, गन उसने ऑजिबल पे ही रखी हुई है, धीरे धीरे पीछे जा रहा है, ध्यान पूरा अभी भी फोकस पूरा ऑजिबल और डोर पे है कि कहीं डोर से पुलिस वाले आ ना जाए. तो पीछे होते होते फिर उसने पहले अपनी एक टांग जो है वो विंडो से बाहर निकाली. सेंड देम अवे ही वॉन्ट, उसने बोला कि इनको बाहर भेज, मैं यहीं पे बालकनी में वेट कर रहा हूँ, तो पुलिस वालों से बात करके इनको वापस भेज दे. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस.
अगर तूने इनको वापस नहीं भेजा तो मैं उन पे शूट करके अपने चांसेस लूंगा। आई विल टेक माई चांसेस। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेस्ड। ठीक है, नॉकिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, आवाज़ भी आने लगी, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। तो ये अपनी देखो पिक्चर दिख रही है, पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर। तो इसका पूरा ध्यान जो है वो अभी भी डोर पे है और एक टांग उसने बाहर निकाल ली है। बाहर पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने एक टांग बाहर निकाल के रखी है ताकि बालकनी में जा सके। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। गन अभी भी फैट मैन की तरफ है। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। पहले उसने एक टांग बाहर निकाली, फिर दूसरी टांग भी बाहर निकाल के विंडो सिल के उस तरफ कर ली। द नॉट द डोर नॉब टर्न्ड, है ना, दरवाज़ा वो खोलने के लिए घुमाना पड़ता है ना, होटल के दरवाजे आपने देखे हो तो ऐसे गोल घुमाना पड़ता है। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। तो अभी तक वो विंडो पे बैठा हुआ था, जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसने बालकनी में जाने के लिए जंप किया, टू ड्रॉप टू द बालकनी। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। जैसे ही उसने बालकनी की तरफ जंप किया तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। क्यों चिल्लाने की आवाज़ आई होगी? क्योंकि उधर कोई बालकनी नहीं होगी। हाँ, यस, वहाँ पे बालकनी थी नहीं। ऑजेबल ने उसको ऐसे ही बालकनी का सेटअप दिया था। स्टार्टिंग में जो हमने रूम का स्ट्रक्चर वो पूरा बता रहा था, उस रूम का स्ट्रक्चर बताते बताते उसने मैक्स के दिमाग में ये डाल दिया कि इस खिड़की के बाहर बालकनी है, लेकिन वहाँ पे बालकनी थी ही नहीं। तो उसकी वजह से जैसे ही उसने वहाँ से जंप किया वो सीधा सिक्स फ्लोर से नीचे गिरा, जिसकी वजह से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अब दरवाज़ा खुलता है, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे एंड बोटल एंड टू ग्लासेस। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे पुलिस नहीं थी, एक वेटर था जिसके पास ट्रे थी, एक बोतल थी, टू ग्लासेस थे। सो वो वेटर जो है वो उसे कहता है, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफिनेटली अनकॉक द बोतल एंड लेफ्ट द रूम। ठीक है, वो वेटर ने कहा कि जब ड्रिंक आप ऑर्डर करके आए थे वापस आते वक्त, वो ड्रिंक आपकी आ गई है। उसने बोतल रखी, बोतल खोल के दोनों ग्लास में सर्व किया और वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। ठीक है, फाउलर जो राइटर था वो पूरा शॉक्ड हो चुका था कि ये क्या किया इसने। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। ठीक है, वो स्टैमर यानी हकलाते हुए बोलता है, बट द पुलिस, कि तू तो कह रहा था ये पुलिस आने वाली है अभी। ऑजेबल कहता है, देयर वर नो पुलिस, ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। कि मुझे पता था कि पुलिस नहीं आएगी, हेनरी जो वेटर है वही आने वाला था, मुझे एक्सपेक्टेशन वही थी, मुझे पता था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। तो कहता है कि अगर पुलिस नहीं आएगी तो वो बालकनी वाला जो मैन है वो हमें मार नहीं देगा। तो ऑजेबल कहता है, नो, ही वॉन्ट रिटर्न। You see, my young friend, there is no balcony. तो उसे वो जाके दिखाता है कि देख वो वापस नहीं आने वाला, तो देख यहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। तो उस मैक्स ने सिक्स फ्लोर से खुद ही कूद के अपनी जान दे दी थी। ओके, स्टोरी आ गई समझ में?
यस सर। मिडनाइट विजिटर नाम क्यों है? यस क्योंकि आधी रात को आया था मैं। सर आधी रात को ही पूरी स्टोरी होती है। स्टोरी ये जब बातचीत हो रही थी तब कितने बजे थे? एक 11:59 हुए थे, क्योंकि उसने कहा ना 31 मिनट्स पड़े हैं, 12:30 होने यस सर थे। तो क्योंकि वो एकदम रात के 12 बजे के आसपास आया था, इसलिए स्टोरी का नाम है मिडनाइट विजिटर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था? ऑजिबल डिफरेंट कैसे है बाकी सबसे? तो दिखने में डिफरेंट है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि स्पाई जैसा है, एकदम मोटा सा है और एकदम बोरिंग सी लाइफ है उसकी।